हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में प्रीवियस लेक्चर तक हम अरिथमेटिक मीन पे डिस्कशन कर रहे थे। डिफरेंट वीडियोस में हमने अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट पे डिस्कस किया, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन पे डिस्कशन किया, प्लस उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने किए। उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पे डिस्कशन किया था। फाइन, इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू मीन, दैट इज वेटेड मीन। तो हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ वेटेड मीन, कंसेप्ट ऑफ वेटेड मीन, प्लस फॉर्मूला फॉर वेटेड मीन एंड प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन विद सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर जो हमारे अरिथमेटिक मीन के लेक्चर थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन बेसिकली उस सीरीज के ऊपर कैलकुलेट होता है जिस सीरीज में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सारे वेरिएबल्स के जो वेटेजेस होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। फाइन, ये मैंने आपको बताया था। इट मींस अगर किसी सीरीज में जितने भी वेरिएबल्स हैं, या हम कहें जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, डेटा हैं, उन सारे के सारे फिगर्स के जो वेटेज हैं वो इक्वल हैं, उस केस में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होगा। तो सर अगर वेटेजेस इक्वल ना हो, अनइक्वल वेटेजेस हो, उस केस में फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात समझ आ गई। लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेटेज। ये जो वर्ड वेटेज में यूज कर रहा हूं, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है। कहीं आप इसको फ्रीक्वेंसी से तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वेटेज का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए, वेटेज का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, किसी भी एक स्पेसिफिक वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्या है। और देखिए, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है उस स्पेसिफिक वेरिएबल का रिपीटेशन, कितनी फ्रीक्वेंटली वो वेरिएबल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन वेटेज का मीनिंग होता है उस स्पेसिफिक वेरिएबल का वेट, उस स्पेसिफिक वेरिएबल का इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है। एज ए स्टूडेंट इस बात को थोड़ा सा जल्दी समझा जा सकता है। देखिए, जैसे अगर मैं कहूं आपके अलावा क्लास 11th और 12th के अंदर अगर हम बोले अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स के या इकोनॉमिक्स के पेपर की हम बात करते हैं, फाइन, तो हम बोलते हैं कि भाई जो आपके अकाउंट्स का पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का भी 100 मार्क्स है। फिर उसमें हम वेटेज आपको बताते हैं कि भाई वेटेज क्या बनता है। इसमें एक्सटर्नल एग्जाम का वेटेज है 80 मार्क्स का और इंटरनल एग्जाम्स का वेटेज है 20 मार्क्स का। मींस एक्सटर्नल एग्जाम का वेटेज जो हो गया 80% हो गया, इंटरनल एग्जाम का 20% हो गया, 0.8, 0.2 या हम इसको बोले 4/5 और इसको बोले 1/5। ठीक है, ये इनके वेटेजेस एक्चुअली बन गए। अब इस वेटेजेस में फिर आपको कितने मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं, दैट इज द वेरिएबल। वो फिर उसका वेरिएबल होगा कि आउट ऑफ 20, बाय चांस मान लो कोई बंदा आउट ऑफ 20 मार्क्स लेकर आए। अब आप इसको ऐसे समझे, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ठीक है, स्टूडेंट ए इंटरनल एग्जाम्स में, अच्छा इंटरनल एग्जाम्स में क्या होता है, इंटरनल एग्जाम्स में आपका प्रोजेक्ट होता है, आपका वाइवा होता है और एक छोटा मोटा टेस्ट होता है। ठीक है, फाइन। और इंटरनल एग्जाम्स के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया, आपने वाइवा अच्छे से दे दिया, वो जो इंटरनल एग्जाम का टेस्ट है वो अगर आपने अच्छे से दे दिया, तो आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने का मौका मिल जाता है। अब मान लें एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, वो 20 में से 20 मार्क्स लेकर आया। ठीक है, तो यहां पर इस वेटेज में इसने 100% स्कोर किया, ये उसका हो गया वेटेज और ये हो गए उसके मार्क्स। ठीक है, मार्क्स क्या होते हैं हमारे, एक्स, या मैं कहूं मार्क्स आर द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स होगा। ठीक है, ये इसका वेटेज है। ठीक है साहब, चलिए ये भी हो गया। और 80 में से बाय चांस ये 60 मार्क्स लेकर आया। ठीक है, तो 60 प्लस 20 जो हो गए, दैट इज व्हाट, या मैं इसको कहूं चलिए 70 मार्क्स लेकर आया, तो ये हो गया इसमें 70 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 90 मार्क्स। ठीक, फाइन। अच्छा, ये जो एग्जाम है एक्सटर्नल एग्जाम, इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पेपर जो आपका फाइनल एग्जाम होता है वो आता है, और कंपैरेटिवली इंटरनल एग्जाम से एक्सटर्नल एग्जाम में स्कोर करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। वहां पर क्वेश्चन पेपर होता है, आपको वही एग्जाम के अंदर बैठ के 3 आवर्स में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम है। मींस वो 80 में से 70 मार्क्स लाया। अब देखिए, यहां पर 80 मार्क्स इज द वेटेज, ये इसका 80% वेटेज हो गया, और 70 मार्क्स जो है ये मार्क्स ऑब्टेंड आउट ऑफ 80 है, ये हो गए वेरिएबल्स। फाइन, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी 80 में से 80 मार्क्स लेकर आया और 20 में से, लेट सपोज 20 बाय चांस मान लो 10 मार्क्स ही लेकर आया,
तो इसका भी टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। अब आप देखें, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बंदा इंटरनल एग्जाम में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में एक जैसा परफॉर्म करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, वाइवा अच्छे से देते हैं, तो वहां पर इंटरनल एग्जाम्स में वो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन उनका न्यूमेरिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट अच्छा नहीं था, तो वो एग्जाम्स के अंदर फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स की स्किल ऐसी होती है जो न्यूमेरिकल पार्ट उनका अच्छा होता है और फाइनल एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर अच्छा मार्क्स ले आते हैं, लेकिन शायद उनके पास प्रोजेक्ट बनाने की स्किल्स ना हो, इतना प्रेजेंटेबल प्रोजेक्ट ना हो, तो वहां पर उनको मार्क्स कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। तो कहने का मीनिंग ये कि दोनों स्टूडेंट के मार्क्स ऑप्टेंड आउट ऑफ 100 90 है, इसके भी मार्क्स 90 ऑन 100 है, इसके भी मार्क्स 90 ऑन 100 है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो देख दोनों का वेरिएबल्स, अगर यहां पर तो दोनों का क्या होगा, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा और अरिथमेटिक मीन इस तरह से कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब आप देखेंगे कि भाई स्कूल का स्टूडेंट का स्किल सेट कैसा है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट ए जो है ये इंटरनल एग्जाम के अंदर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर इसका वेटेज जो है 20 में से 20 लेकर आया, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर कंपैरेटिवली कम मार्क्स लेकर आया, और ये बंदे के एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल सेट ज्यादा बेटर है, डेवलप्ड है एज कंपेयर्ड टू द ए स्टूडेंट, ठीक है, और इंटरनल में ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है, तो एक कम लेकर आ पाया। तो जब आप वेटेजेस को लेते हैं और उस वेटेजेस की बेसिस पर आप क्या करते हैं, उनके वेरिएबल्स निकालते हैं उस केस, और सबके वेटेजेस डिफरेंट होते हैं, तो उस केस में फिर हम वेटेड अरिथमेटिक मीन या वेटेड मीन या वेटेड एवरेज अल्टीमेटली कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जाकर के आपको वेटेड मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, मींस वहां पर आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन से एक्चुअली काम नहीं होता। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपके स्टूडेंट्स ग्रेड होते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जो ग्रेड्स होते हैं तो ग्रेड्स भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, फिर अगर आप जैसे एग्जाम में अपने टीचर से पूछते हैं, अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं तो या फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें हम पूछते हैं कि सर कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो वो वेटेज भी तो अपने आप में, और फिर क्या करता है, जैसे जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते जो हायर वेटेज के चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा, या फिर आप बोलते हैं कि सर आपने हमें इतने, इसका इतना वेटेज बताया था और इसका तो कम वेटेज एक्चुअली आया, तो हम क्या करते हैं, जहां वेटेज पूछते मींस हम उसका इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करें, फाइन। तो वेटेजेस जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंस को शो करते हैं, तो एक तो स्टूडेंट्स ग्रेड में होते हैं, फिर उसके अलावा एक हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में होते हैं। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का मीनिंग होता है जिसमें हम फाइनेंशियल असेट को परचेस करते हैं और वो डिजाइन, वो जो प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट से वो कैसा है। देखिए दो टाइप की फाइनेंशियल असेट्स होती हैं, डेट्स एंड इक्विटी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं जो 100 रुपया है उसमें से मैं कितना परसेंट पैसा डेट्स में लगाऊंगा और कितना परसेंट पैसा इक्विटी में लगाऊंगा, और जब मैं इक्विटी बाय, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैं 30% पैसा डेट्स में लगाऊंगा और 70% पैसा मैं इक्विटी में लगाऊंगा, मींस 100 रुपए में से 30 रुपए मुझे डेट्स के अंदर लगाने हैं और 70% पैसा जो है वो मुझे इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब ये जो इक्विटी में जो 70% पैसा है, इसके अंदर कौन सी कंपनी के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बैंक्स के रिलेटेड जो शेयर्स हैं उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, स्टील इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट करना है, फार्मा इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट करना है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके वेटेजेस के अकॉर्डिंगली देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो में से कौन सा शेयर हमें अच्छा रिटर्न एक्चुअली दे रहा है, वो फिर हमारा क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली जो क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही कहां पर यूज होता है, एक तो प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर यूज होता है, प्रोडक्ट के रिव्यू हम लेते हैं सामने वाले से, पार्टी से, तो वहां पर भी क्या होते हैं, अल्टीमेटली वेटेजेस बेसिकली होते हैं। उसके बाद फोर्थ होता है जैसे एम्प्लॉई सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉई सैलरी का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं और उन एम्प्लॉयज का ग्रेड और उन एम्प्लॉयज की जो जॉब रेपुटेशन है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे एक मैनेजर लेवल का बंदा है उसकी सैलरी का ग्रेड अलग होगा, क्लर्क लेवल का बंदा उसकी सैलरी का ग्रेड अलग होगा, नीचे प्योन लेवल का बंदा है उसकी सैलरी का ग्रेड डिफरेंट होगा, तो वहां पर भी अल्टीमेटली क्या होते हैं, उनके वेटेजेस डिटरमाइन हो जाते हैं, फाइन। तो आई होप अब आपको वेटेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेटेज मींस इंपॉर्टेंस। तो जहां पर भी वेटेज आ जाए, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर होते हैं, तो उस जगह पर हम, क्योंकि वेटेजेस डिफरेंट होते हैं, तो फिर वहां पर अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पर हमको वेटेजेस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वेटेड मीन और वेटेड एवरेज और वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, फाइन। अच्छा, कभी आपको प्रैक्टिकली
ऐसा करना पड़ेगा कि भाई मुझे वेटेड मीन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप किसी भी सीरीज में अलग अलग वेरिएबल्स को उनके वेट्स असाइन करेंगे, ठीक है, वेट्स को असाइन कर दिया, और वेट्स को असाइन करने के बाद में फिर उन वेटेजेस की बेसिस पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना वेरिएबल एक्चुअली आ रहा है, जैसे मार्क्स है तो सबसे पहले वेटेज असाइन करो और उस स्पेसिफिक वेटेज में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो आप देखें, फिर उसके बाद इनका प्रोडक्ट निकालिए और प्रोडक्ट निकालने के बाद टोटल वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन या वेटेड मीन आपका आ जाएगा, ठीक है। टेक्निकली अगर मैं इसको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में लिखूं तो वेटेड अरिथमेटिक मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर वेटेज, तो इसका फॉर्मूला होता है, इधर लिखता हूं, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, ठीक है, समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। नाउ व्हाट इज समेशन एक्स डब्ल्यू, तो ये होगा, समेशन आ गया मींस सम ऑफ, ठीक है, एक्स डब्ल्यू मींस प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स विथ देयर रेस्पेक्टिव वेटेजेस, ठीक है, जो भी उनके वेटेजेस है पहले आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर लें, उनका प्रोडक्ट आपस में निकाल लें मल्टीप्लाई करके, ठीक, फाइन। फिर उसके बाद आप क्या करें, सम ऑफ वेटेज करें, सम ऑफ वेटेज मींस सारे वेटेजेस का टोटल कर लें और उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर दें, उसका जो डिवीजन होगा, जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू होगी, दैट विल बी अवर वेटेड मीन, फाइन। ये हमारा वेटेड मीन का फॉर्मूला है। क्या करेंगे, आपको वेरिएबल्स गिवन होंगे, वेटेजेस गिवन होंगे, या शायद आपको वेटेजेस निकालना भी पड़ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वेटेज डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा और उसकी बेसिस पर आपको वेटेज निकालना पड़ेगा, जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं या कौन सा चैप्टर है, उसका कितना मार्क्स है, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने मार्क्स होंगे, तो फिर आप परसेंटेज में वेटेज निकालेंगे और वेटेज निकालने के बाद फिर आप उसके वेरिएबल से उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्टली वेटेज गिवन होंगे तो कोई इशू नहीं है, आप सीधे वेटेज लिखें, मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें, वेटेज नहीं होंगे तो हमको थोड़ा सा पढ़कर और समझकर उसका अल्टीमेटली वेटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास दो तीन क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस से हम क्या करें, वेटेड, मेरे पास ये संदीप गर्ग बुक है, इसके अंदर से कुछ वेटेड मीन के क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन उठाता हूं और हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर वन इसके अंदर दे रखा है, कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम By calculate weighted mean by weighing each price by the quantity consumed, ठीक है ना, weighing each price, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा इसके अंदर, weighing each price, तो अब यहां पर जो weights हैं, जो आपके वजन है, वो वजन आपका यहां पर क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंस भी बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमको कुछ फूड आइटम्स दे के रखे हैं, सबसे पहले इसमें फूड आइटम्स दिए होंगे, आपको दिख रहा होंगे स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद उनकी क्वांटिटी कंज्यूम्ड दे रखी है, क्वांटिटी कंज्यूम दे रखी है इन किलोग्राम्स, और उसकी प्राइस दे के रखी है, ठीक है। तो प्राइस हो गया हमारा एक्स, क्वांटिटी कंज्यूम्ड हो गया हमारा वेटेज, कितना हम उसकी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं वो हमारा वेट है, और इसमें गिवन है वीट गिवन है, राइस गिवन है, और उसके अलावा शुगर एंड पोटैटो, ये गिवन है सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद इनके वेटेजेस दे रखे हैं 3, 4, 2 and 5, 300, 400, 200 और फिर 500, और उसके बाद में फिर 10, 20, 15 और 7, 10, 20, 15 and 7 आर द प्राइजेस, ठीक है। नाउ दीज आर आवर एक्स, प्राइस हमारा एक्स होता है वेरिएबल, तो ये बनेंगे क्वांटिटी कंज्यूम्ड जो होती है, दैट इज वेटेज, हम कितना उसमें क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी कंज्यूम दोनों लेंगे। 10 रुपए की प्राइस पर 300 यूनिट 300 किलोग्राम का क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, 20 रुपीज की प्राइस पर 400 का क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, सो ऑन, फाइन। मैंने क्या कहा था आपसे, फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स डब्ल्यू, तो हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स डब्ल्यू, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इंटू डब्ल्यू, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स विद देयर रेस्पेक्टिव वेट्स, तो 300 इंटू, तो एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3000, 4 2s 8000, ये हो जाएगा हमारा 3000 और 3500, फिर इनकी टोटल लगाएंगे और वेटेज की टोटल लगा दें, हाँ वेरिएबल की टोटल मत लगा दीजिएगा, हमें इसमें वेटेज की टोटल लगाना पड़ेगी। चलिए तो इसको मैं अगर करता हूँ 3000, 8000, 3000 और 3500 is 17500, और इधर ये हो गया हमारा टोटल 1400, ठीक है ना, 7 और 7 1400, ठीक, फाइन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, समेशन एक्स डब्ल्यू कितना है 17500 डिवाइडेड बाय 1400, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1400 इज इक्वल्स टू, अरे ये क्या हुआ, 17500 डिवाइडेड बाय 1400 इज इक्वल्स टू 12.5, तो वेटेड एवरेज प्राइस विल बी 12.5, ठीक है। चलिए जी,
अगर इसमें बाय चांस वो आपको बोले थे कैलकुलेट सिंपल अरिथमेटिक मीन, तो फिर आपने क्या करना है कि ये अज्यूम करना है कि जितने भी ये फूड आइटम्स हैं इन सबके वेटेजेस इक्वल हैं 111। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहां पर 300, 400, 200 और 500 है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसकी स्केल चेंज करके, वेटेज हटा दो इनका, वेट क्या बचेगा 3, 4, 2 और 1, ठीक है, और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन भी कंपैरेटिवली आपका इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 800, सॉरी ये हो जाएगा 3 × 10 = 30, 80 और ये 30 और ये 7, ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ये सॉरी ये 5 है, तो ये 5 × 7 = 35, ऐसा कर लेंगे तो भी आपका 12.5 ही अल्टीमेटली आना है। तो अगर इसमें मैं ये बता रहा था कि अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालने का बोले तो जितनी भी प्राइसेस है हर फूड आइटम का वेटेज सेम ही हो जाएगा, अब वो क्या वेटेज है उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सबका 1111 वेटेज हो जाएगा, वन वेटेज मतलब वो सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, इन सबको प्लस कर दें डिवाइडेड बाय 4 कर दें आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है फाइन। चलिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर दे के रखा है अ कैंडिडेट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, उसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखे हैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, 4-5 अलग अलग सब्जेक्ट दे के रखे हैं, उन सब्जेक्ट के उनको परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए। अच्छा सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद मैथ्स इकोनॉमिक्स, मैथ्स ठीक है, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, और उनके मार्क्स आ रखे हैं 70, 85, 90, 80 and 95, these are the marks and marks are the averages, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको वेटेज दे के रखा है, हाँ, और वेट्स इनका इसके अंदर जो असाइन किए हैं कि क्या है 2, 1, 2, 3 and 4, 2, 1, 2, 3 and 4, अब आप देखें जिसका वेटेज सबसे हाईएस्ट उसका इंपॉर्टेंस भी सबसे हाईएस्ट, मींस इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी का सबसे हाईएस्ट वेटेज है तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, लीस्ट इंपॉर्टेंस किसका है मैथमेटिक्स का है, ठीक फाइन, बस वही करना है, दीज आर द वेट्स, क्या करेंगे आप एक्स डॉट डब्ल्यू, ये 7 × 2 = 140, 85, 180, 240 और ये हमारा हो जाएगा 95 × 4 = 380, फिर सबकी टोटल लगाएं 240 + 180 + 85 + 140 = 1025, और ये वेटेजेस और ये 12 हमारा वेटेजेस, तो x बार w इज इक्वल्स टू समेशन x w अपॉन समेशन w 1025 / 12 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 85.41 जो होगा ये हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन अल्टीमेटली हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे वेटेड अरिथमेटिक मीन के, तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसकी अल्टीमेटली प्रोसीजर क्या होती है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, फिर भी अगर कोई क्वेरी डाउट या कोई क्वेश्चन आपको रेज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इसको स्प्रेड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी, थैंक यू।